दीपावली। सो व्हेन वी से अ फेस्टिवल इन इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता में जब हम उत्सव की बात करते हैं, उत्सव एक अलग शब्द है, त्योहार एक अलग शब्द है। त्योहारों की बात करते हैं तो दीपावली बहुत ही ज्यादा अग्रणी है अगर हम त्योहारों की बात करते हैं। लेकिन ये जो त्योहार होते हैं हमारे, आप देखेंगे हम किसी न किसी कॉस्मिक ज्योमेट्री को देखते हुए सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेटेड बाय लुकिंग एट सम काइंड ऑफ अ कॉस्मिक ज्योमेट्री, विच इज बेसिकली एन अरेंजमेंट। नाउ अरेंजमेंट कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एंड बींग सेंसिटिव टू लाइफ दिस कल्चर रिकग्नाइज वॉट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी सम अरेंजमेंट कैन क्रिएट। कोई व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था किस तरीके के अनुभव को और किस तरीके के प्रकरण को संपादित कर सकती है, ये भारतीय सभ्यता ने बहुत सूक्ष्म तरीके से इसके दर्शन किए। सो दीपावली इज रिलेटेड टू लक्ष्मी, इसे हम लक्ष्मी पूजा पूजा भी कहते हैं। सो लक्ष्मी, व्हेन वी से लक्ष्मी, वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? लक्ष्मी मीन्स द हैप्पीनेस ऑफ एक्सपेंशन। वैभव की प्रसन्नता को लक्ष्मी कहते हैं। तो यहां पे इस समय, खास करके अगर हम भारतीय भौगोलिक स्थिति से किसी चीज को ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व द कॉस्मिक ज्योमेट्री फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पोजिशनिंग आर सेल्फ एट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो द अलाइनमेंट ऑफ दिस ज्योमेट्री इज सच दैट इट अलाउज द ऑप्यूलेंस ऑफ एक्सपेंशन। तो वैभव की स्थिति को और या उस स्थिति के अनुकूल ये परिस्थिति बहुत होती है। लक्ष्मी, द टर्म लक्ष्मी इज ड्यू टू एन एस्पेक्ट कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कैन नॉट हैपन विदाउट एक्सपेंशन। In your body also, you'll see from the childhood till death, there is a constant expansion. Maybe at some age, your height, your weight gets stagnated, but the cellular change that happens is a phenomena which happens every second. There is a constant cellular formation, which is expansion. So, Lakshmi fundamentally means the ease of expansion or the happiness of expansion. इसके लिए ये समय बड़ा कंड्यूसिव होता है, बड़ा असरदार होता है, बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक ज्योमेट्री। वाई वी सेलिब्रेट इन दैट, इन दिस मोमेंट, बिकॉज सेलिब्रेशन is also expansion.
So through celebration, you actually allow yourself to be happy through expansion. If there is no celebration, you know, people are always fearful about everything. Agar expansion nahi hoga, to hamesha log cheezon ko usi tarike se barkarar rakhne ke liye jaddojahd karte rehte hain. आप देखेंगे लोगों ने कुछ सामान खरीदा तो उसको मेंटेन करके रखने में वो ज्यादा समय गुजारते हैं रादर देन उसको एक्सपेंड करने में. ये यूजुअली एक नॉन एक्सपेंसिव मोड का सूचक है. इसी नॉन एक्सपेंसिव मोड को हम अलक्ष्मी भी कहते हैं और इसी को हम आजकल के टर्म्स में गरीबी भी कहते हैं. सो व्हेन वी से अमीरी और गरीबी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. इफ योर स्टेट ऑफ माइंड अलाउज टू बी हैप्पी इन एक्सपेंशन, यू विल सी अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ वेरी 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 चैलेंज्ड monetary challenged family. He grows up to become very rich. So this happiness of expansion is needed to actually do whatever you want to do or to actually solve the purpose of life. In this culture, we always say it as dharma, artha, kama, moksha. So dharma fundamentally means those principles which holds you in life. That is dharma. Not only just you, it is about everything. What holds a family, what holds a society, what holds this body, or what holds a particular organ like heart. So the principle which holds a functioning in existence is called as dharma. Now your body cannot sustain if you do not expand continuously. A continuous expansion is something which is required to even hold or hold the state of dharma. So dharma is the principle which holds life, but life cannot happen or cannot go ahead without expansion. So this expansive ability or the ability to expand is called as artha. So you do whatever it takes or whatever is required to expand in your life, then it is artha. And only when there is a direction, which is dharma, and there is expansion, which is artha, whatever you desire, you become eligible or the situation become conducive to do or exhibit that, which is called as kama. Kama means creative possibility of a human being. Kama means creative possibility of a human being. Creative possibility of a human being can take shape and form and manifest only and only when there is expansion and there is a direction behind. So dharma, artha, kama. And once you have expanded to your satisfaction and exhibited whatever you wanted in your life to your satisfaction, the moksha thing, you don't have to worry about. It'll happen on its own. So this is the formula. But in this formula, artha or the happiness or the opulence of expansion is very, very important. So what to do? Celebrate a little more.
थोड़े से और उत्सव मनाएं। ये समय नहीं है अपने आप को बहुत लॉजिकली बाउंड करने का, रोक के रखने का। ये समय है कि आप अपने लॉजिक से आगे जाएं एंड सेलिब्रेट लाइफ, बिकॉज दिस सेलिब्रेशन विल हेल्प यू ब्रेक ऑल दोज बॉन्डेजेस एंड दोज बैरियर्स विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सपेंशन। इट इज टाइम लक्ष्मी टेक्स ओवर द वर्ल्ड। इट इज टाइम दैट यू एक्सपैंड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू एक्सपैंड एज शी हैज एक्सपैंडेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। वी आर एंटरिंग इन टू टाइम ऑफ युग परिवर्तन एंड इट इज टाइम टू एक्सपैंड। इट इज टाइम फॉर लक्ष्मी टू टेक ओवर द वर्ल्ड। सो सेलिब्रेट अ लॉट ऑल दोज लाइट्स एक्चुअली हेल्प इन एक्सपेंशन। द सेलिब्रेटरी मोड इमोशनली बबली और द बबलीनेस ऑफ इमोशन हेल्प यू इन एक्सपेंशन। इट गेट्स यू इन टू कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सपेंशन। द सेलिब्रेशन इज अ वे वेर थ्रू विच राधा everybody can expand. The second aspect, there is a particular time period where this alignment happens of the cosmic geometry. So 4th of November, 6:30 to 8:30 in the evening, create an intention in your mind, a very, very strong intention, and keep it. Keep that intention. Make it more intense and keep that intensity for these 2 hours. 6:30 की बहुत बहुत शुभकामना। 8:30 आपका जीवन वैभवशाली और समृद्ध हो, इसी शुभकामना के साथ में शुभ दीपावली।